Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण सर बीएल स्कूल से आज फिर से उपस्थित हो गया हूँ आप लोग के लिए सेकंड लेक्चर लेके। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़े थे कल न्यूट्रिशन प्लांट पौधों में पोषण, जिसका फर्स्ट लेक्चर था न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या होता है। इसमें हमने पढ़ लिए थे न्यूट्रिशन, पढ़ लिए थे मॉडल न्यूट्रिशन, पढ़ लिए थे पोषण के तत्व ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एटोट्रॉफिक। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। पौधे इस प्रोसेस से क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। पौधे इस प्रक्रिया में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से अपने लिए भोजन बनाते हैं। जो आप लोग यहाँ रिएक्शन दिया गया देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सूर्य के प्रकाश और पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल जो उनके पत्तों में होते हैं उससे मिलकर वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन है उनके लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नीचे का केमिकल रिएक्शन भी लिख दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है CO2, जल वाटर का H2O, कार्बोहाइड्रेट का होता है C6H12O6। एक कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज भी बोलते हैं और यह आपका O2 ऑक्सीजन है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस यानी दो शब्द है, फोटो में होता है लाइट और सिंथेसिस में होता है बिल्डअप यानी प्रकाश के द्वारा जो चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं इसके फैक्टर, फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से फैक्टर होते हैं। जैसे दिया है हमें CO2+H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहां से मिल जाता है पौधों को, वायुमंडल से यानी हमारे वातावरण से। वाटर मिट्टी में मिले, पृथ्वी के अंदर से मिले, पौधे अपने जड़ के द्वारा पानी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। सनलाइट सूर्य से मिल जाता है और क्लोरोफिल जो होता है पौधों के हर पत्तों में क्या होता है, पहले से ही मौजूद रहता है। इसके द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार कर लेते हैं। सूर्य की सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। अब आता है इसका फैक्टर CO2 एंड वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फिर आता है लाइट, इसके फैक्टर है टेम्परेचर है और अदर फैक्टर है। लो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O लोअर द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है, कम लेवल पे होता है प्रकाशन की प्रक्रिया में। फिर आता है लाइट, लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर लाइट कम मिलेगा तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, लाइट की पूरी आवश्यकता होती है इस प्रक्रिया को पूरा करने में। और टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी रहना चाहिए। अब बाकी फैक्टर है, बाकी लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसमें कौन कौन से अगला लेक्चर हमारा होगा सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स। तब तक के लिए थैंक यू।